आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जमुआ में भाकपा माले ने जमुआ प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। वहीं मौके पर माले नेता विजय पांडे ने कहा कि यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ जो घटना हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दे, और जिन दुष्कर्मियों को बचाया है पुलिसकर्मियों ने, वैसे पुलिसकर्मी को तिहाड़ जेल पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ बगोदर में पार्टी के महिला नेत्री के ऊपर जिला प्रशासन ने झूठा मुकदमा किया है, उसे अविलंब वापस लें। साथ ही साथ कहा कि जमुआ प्रखंड के तरडेहा गांव में एक स्वयं सहायता समूह के जरिए लगातार 4 महीनों से अनाज नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी जमुआ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने इसकी जांच भी की, लेकिन जो सेटिंग गेटिंग से मामला दबा दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि जमुआ में कालाबाजारी जोरों से चल रही है, अगर यही रवैया रहा तो पार्टी आने वाले दिनों में और जोरों से आंदोलन करेगी। वहीं मौके पर माले के अशोक पासवान, रमा ठाकुर, मीरा दास, अस्कर अली, ललन यादव, रीतलाल वर्मा, दिलीप सिंह, मोहम्मद राजा, रंजीत यादव, अरुण वर्मा सहित दर्जनों लोगों की उपस्थिति रही। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। ये आज का आंदोलन जो है वो आंदोलन एक तरफ तो जो है पार्टी के कार्यक्रम है, वो हाथरस में जो घटना हुई, भाकपा माले ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी की मांग करती है, कठोर से कठोर सजा दे, और जो दुष्कर्मियों को बचाया है जिन पुलिसकर्मियों ने, उन्हें जो है तिहाड़ जेल पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ बगोदर में पार्टी महिला नेत्री के ऊपर जो जिला प्रशासन ने झूठा मुकदमा किया है, इसको अविलंब वापस ले। तीसरी बात, जमुआ के तरडीहा गांव में एक स्वयं सहायता समूह के जरिए लगातार जो है 4 महीनों से अनाज नहीं दिया गया। हम लोगों ने एमओ से बात किया, उन्होंने जांच भी किया, और जांच के बाद जो सेटिंग गेटिंग का होता है मामला, वो अब रूठने मनाने का खेल चल रहा है, और जमुआ में कालाबाजारी बड़ी जोरों से है। स्वयं सहायता समूह गठन करवाने में यहां से 1.5-2 लाख रूपये लिए जाते हैं, और एमओ उसमें संलिप्त है। हम अभी तक जो ऑनलाइन का चावल था, ये ऑनलाइन का चावल सभी पंचायतों में एक डीलर को दिया गया, क्रमशः 50 से 60 क्विंटल तक, वो ऑनलाइन का चावल अभी भी किसी पंचायतों में नहीं मिला। जो प्रवासी मजदूरों को सरकार देने की बातें कह रही है, वो भी किसी प्रवासी मजदूरों को अनाज नहीं दिया गया, और यहां राशन किरासन की जबरदस्त कालाबाजारी है, जिसमें एमओ जमुआ एमओ संलिप्त है। ऐसे एमओ को जो है बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो भाकपा माले आर पार की लड़ाई में उतरेगी।